Welcome back to my channel. For those who know me and for those who do not know me, my name is Priti. This is my world. This is my channel. This is my space. Drum roll. तो हम लोग पहुंच गए हैं चांदनी चौक. अब मैं चांदनी चौक क्या करने आई हूँ. सो गाइस, चांदनी चौक फेमस है कपड़ों के लिए, ज्वेलरी के लिए, खाने के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए. तो मेरी एक फ्रेंड का ना शादी है, मेरी एक फ्रेंड की शादी है. सो वी आर ऑल प्लानिंग टू गो फॉर दैट वेडिंग. आई वॉन्टेड टू पिकअप सम स्टफ. तो मेरे को लगा कि यार ऐसा कोई डिज़ाइनर स्टफ नहीं है जो चांदनी चौक में नहीं मिलता. एंड व्हेन आई से दैट, ऐसा कोई डिज़ाइनर स्टफ नहीं है, मतलब कोई भी नहीं है. आपको हर डिज़ाइनर का यहाँ पे रेप्लिका मिलेगा. आई डोंट लाइक टू स्पेंड 1 lakh rupees ऑन समथिंग व्हेन आई कैन गेट इट फॉर 20,000. दो आई लाइक स्पेंडिंग, बट मेरे को ऐसा लगता है जब एक दो बारी ऐसी चीज़ें पहननी होती है ना, तो आपको इतना स्पेंड नहीं करना चाहिए. तो मैं यहाँ पे ना एक्चुअली यार देखने आई हूँ. आई एम नॉट इवन हियर टू बाय. तो मेरे को लगा यार जब मैं चांदनी चौक आई रही हूँ तो मैं आप लोगों को भी अपने साथ लेके चलती हूँ. माइंड यू, मेरे को चांदनी चौक आए बहुत टाइम हो गया, तो ये मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस ही है अकेले, वरना मैं पहले बहुत पहले आई थी, वो मम्मी के साथ जब मैं छोटे से बच्ची होती थी. ठीक है, तो आप और मैं दोनों मिलके आज चांदनी चौक की गलियां छांटते हैं और देखते हैं क्या पता हमें पता नहीं क्या क्या मिल जाए. मुझे चांदनी चौक के बारे में ना कुछ कुछ चीजें पता है, लाइक यहाँ पे फेमस क्या है, कुछ फेमस शॉप्स एंड स्टफ लाइक दैट. एक मिनट, कोई बात नहीं मैडम, कोई बात नहीं. तो क्या ये पीछे बंदर है? हाय, ये हमारी वीडियो खराब कर रहे हैं. एनीवेज, तो आप और मैं दोनों मिलके चांदनी चौक को एक्सप्लोर करते हैं. तो ये जो आप मेरे सामने और आप लोगों के पीछे जो गली है, जो आप एक सेकंड में अभी देखोगे, इस गली का नाम है क्या नाम है ऋतिक? नई सड़क. तो अभी हम यहाँ से शुरू करेंगे एंड लेट्स सी कि हमें क्या क्या मिलता है. सो हु ऑल वॉन्ट्स टू सी वॉट ऑल इज अवेलेबल इन चांदनी चौक, देन लेट्स गो. ये चांदनी चौक की गलियां गाइस, इतनी दिल्ली हो गई है ना गर्मी में, जिस चीज की हद नहीं है. और अभी मार्च सिर्फ स्टार्ट हुआ है. दिस प्लेस तो गाइस कैमरा ना मैंने ले लिया है. मेरे को लगता है कि आप जितना भी शूट कर लो, जितना भी सामने रह लो, बट आपका जो वो किक होता है ना, टू एक्चुअली जस्ट ऑपरेट द कैमरा. तो मेरे को ना बार बार ना ये लग रहा था ऋतिक कैमरा लेके चल रहा था, तो मैंने कहा ऋतिक मैं शूट करूँ क्या, तो इसे मुझे दे दिया. तो अब हम लोग ये जा रहे हैं कहीं पे, हमें लेके जा रहे हैं एंड दे आर शोइंग अस साड़ी. इन्होंने बोला द स्टार्टिंग रेंज ऑफ द साड़ी इज 200 rupees. सो आई एम रियली क्यूरियस टू सी व्हाट इज इट. लेट्स गो इनसाइड एंड चेक. सो गाइज, हम लोग इस शॉप में आए हैं. एक्चुअली मुझे एक भैया मिले थे, उन्होंने बोला कि स्टार्टिंग रेंज जो सारी इज 200 rupees. नाउ दैट इज वेरी गिमिकी. अ लॉट ऑफ पीपल से कि आपके ये इतने में इतना मिल जाएगा, इतने में इतना मिल जाएगा, आप इधर हमारी शॉप पे आ जाओ. सो दिस इज अ एविड प्रूफ. मैं आई हूँ, इन्होंने मुझे ये दिखाया है. सो दिस इज इन सिल्क और ऊपर एम्ब्रॉयडरी हो रखी है एंड दिस इज फॉर 250 एंड आई थिंक दिस इज फॉर 220. ये ऐसे है, दे आर नॉट बैड क्वालिटी. अगर आपको किसी को लेना हो, देना हो. और कितनी बार यार आपको ऐसे होता है कि आप घर में ना ऐसे स्टॉक करके चीजें रख सकते हो, किसी घर पे शादी आ रही है, कभी
आपने यार किसी अपने डोमेस्टिक हेल्प को भी देना होता है, अपने लिए भी चाहिए होता है. आई थिंक दिस इज रियली गुड डील, इट्स नॉट बैड एट ऑल. मतलब कलर भी अच्छा है, कपड़ा भी अच्छा है, एंड प्राइस इज अ स्टील डील. तो मैंने ना इनको बोला कि मुझे ना कुछ नेट पे चाहिए, तो आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉर वन ऑफ द फंक्शन दैट आई हैव इन माय माइंड. तो मैं नेट में कुछ ढूंढ रही हूँ, ऑब्वियसली दिस इज नॉट व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, बट देन दिस साड़ी इज कम्प्लीटली नेट. ऊपर इस पे ये काम हो रखा है, ये ग्लिटर वर्क है जो पूरी की पूरी साड़ी पे है, एंड दिस साड़ी इज जस्ट फॉर ₹500. इसमें कलर्स भी है, दैट्स सो नाइस. मैं लगाऊं यार, ये ना इतनी शिमरी है, इसके साथ ना प्लेन बेबी पिंक कलर का है, सिल्वर कलर का फॉर दैट मैटर. अगर आप वो लोगे ना ब्लाउज लोगे फुल स्लीव्स का, इट लुक रियली रियली नाइस. नॉट बैड. I got a piece of my heart that's covered in gold. You know I'm one of a kind, or so I've been told. No matter where we go, I know we're gonna make it. No matter where we go, I know we're not alone. We face it all 'cause now we know that we can take it. We face it all 'cause we go big or we go home. Dance like you made it. ये दो लहंगे इसमें. अच्छा तभी मैं अच्छा ओके सो इट विल टर्न आउट टू बी लाइक दिस. तो बेसिकली यहाँ पे लड़कों के कपड़े, लड़कियों के कपड़े, बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े, लेने देने वाले कपड़े, शादी वाले कपड़े, बेसिकली एवरीथिंग एंड एनीथिंग रिलेटेड टू क्लोथ, स्पेशली इंडियन वेयर. आई डोंट नो यहाँ पे, आई डोंट थिंक यहाँ पे वेस्टर्न वेयर है, बट डेफिनेटली दिस प्लेस इज फुल ऑफ इंडियन वेयर. एंड स्पेशली अगर आपके घर में शादी है, आपको लेना देना कुछ भी है, आई थिंक दिस इज वन प्लेस दैट यू कैन कम एंड सी. सो मेनी पीपल आई नो हु डोंट, you know, who don't go to designer showrooms to pick up their lehengas, but if they want one particular piece, they come here aur yahan pe aapko exactly replicas mil jate hain. Maine ye suna hai, so let's try and find something if we can. So let's go. Aap kisi bhi jagah jao jahan pe aap apne suit banwa rahe ho, saadi banwa rahe ho, agar aapko ek ek dupatta bhi chahiye, so there are dupattas which cost you ₹400, ₹500, ₹1000. यहाँ पे आपको दुपट्टे ₹100 में भी, ₹200 में भी मिल जाएंगे. तो यहाँ पे अगर आपको यू नो यू वांट टू मेक अ फ्यूजन ऑफ समथिंग, यू वांट जस्ट दुपट्टा, यू कैन कम एंड चेक फॉर योरसेल्फ. क्या प्राइस है? 200 में कोई भी? They have these in colors as well. ये हल्दी और मेहंदी वाले पूरे सेट है ना, ये जो ऊपर लिखा हुआ ये कॉस्ट ये है. तो आजकल ये फ्लावर वाली ज्वेलरी चल रही है, एंड इफ यू गो आउट एंड बाय फ्रॉम समवेयर दे वेरी एक्सपेंसिव, बट हियर यू गेट अ कंप्लीट सेट. सपोज गले का है, इसमें मांगटीका है, कान के है, गर्दन का है, और बस ना हाथों. अच्छा ये जो आगे लगता है रिंग के साथ लगता है. We gotta move, when did the time go? Lost in space.
The best part is that you get everything under one roof, from suit to sari to lehenga to they have stitched suit for men as well. Okay, तो हमारे साथ है पंकज भाई. इनको यहाँ पे पंकज भाई बोलते हैं and ये इनकी shop है. Okay, so the fun fact here is you get a bundle of 12 sarees. मतलब 12 साड़ियों का आपको bundle मिलता है and each sari is just 150 rupees. कौन सा कपड़ा है? Georgette. And they have a lot of colors, a lot of styles and a lot of shades. और ये क्या cost है इनका? ये 175 per piece. Per piece. नीचे से फटेगा नहीं, ठीक है? लास्ट प्राइस बताओ इसका. फाइनल प्राइस होता है मैडम, ठीक बताओ. लेस करके 900 का पड़ेगा. नहीं 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 नहीं, वार्किंग नहीं होती है. क्यों नहीं? क्यों नहीं होती? जवाब अभी बना ही नहीं मैडम, क्योंकि पहले से 10% लेस है. यार आई एम लाइकिंग दिस फॉर मम्मा, ठीक है, क्योंकि अब गर्मियां भी आ गई हैं और ये कॉटन है और ये बहुत ब्रीजी है, ठीक है, तो मुझे ये मम्मा के लिए अच्छा लग रहा है. पर ये कह रहे हैं कि 900 का है. भैया ठीक लगाओ, 500 कम के लिए सॉरी मैम. थैंक यू. आगे चल के देखते हैं. मुझे जेन्युइनली अच्छा लगा था. सो गाइस, दिस इज गुलाब सिंह झौरीमल. मैंने इस शॉप के बारे में बहुत सुना है बिकॉज एक तो ये बहुत पुरानी शॉप है एंड a lot of people who like perfumes and fragrances, yahan pe inke paas bahut authentic fragrances available hain. So there is one fragrance that I use, mereko wo puchna hai kya inke paas wo hai. Aur ek fragrance hai jo meri mom lagati hai, jo is time duty free mein bhi available nahi hai. Main pichle 2 saal se dhoond rahi hu. I think mummy is on her last bottle aur I think wo finish bhi ho chuki hai, so let's see if we get that. But this is a very famous shop, Gulab Singh Jhorimal, for perfumes and for incense sticks and a lot of things. So let's go inside. Yeah, so in particular I'm looking for two. I use Chanel number 5 and then one is Red Doe by Elizabeth Harden. Do you have that? Yeah. I think I'll get something today. Okay, so you were telling me, by the way guys, he was telling me that he's the 8th generation who is sitting here. अच्छा मेरे को ना एक क्वेश्चन है जो मैं एक्चुअली इनसे ना पूछ चुकी हूँ, मैं कैमरा पे दोबारा पूछ रही हूँ, ठीक है, और मेरे को ना हंसी आ रही है इसलिए आई रियली वांट यू गाइस टू नो दिस. तो बेसिकली मैंने इनसे पूछा कि यू हैव लाइक थाउजेंड्स ऑफ फ्रेग्रेंसेस हियर, ठीक है, यहाँ पे हजारों तरीके की फ्रेग्रेंस है, स्मेल है, ये है वो है. इनके पास इंसेंस स्टिक्स है जो मैंने उठाई है, आई वांट टू टेक दिस, एंड इनके पास वो वाले भी हैं जो मेरे को चाहिए. सो ही इज जस्ट शोइंग मी हाउ इज इट पॉसिबल कि इतनी सारी फ्रेग्रेंसेस के बीच में आप एक फ्रेग्रेंस पहचान लो. और वो मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मेरा कहीं पे मैंने पूछा था उनसे, सेम शॉप थी, मतलब इनकी शॉप नहीं थी, और कोई शॉप थी जहाँ पे इत्र बिक रहा था, और उन्होंने मुझे बोला हाँ मैडम पता चल जाता है. तो मुझे लगा शायद मेरे नाक में प्रॉब्लम है, मुझे सब सेम लग रहे थे उस टाइम पे, 2-3 के बाद. तो ऑनेस्टली हाउ इज इट पॉसिबल? उसके बाद आपको कॉफी बीन्स की हेल्प चाहिए होती है. अभी इससे भी नहीं कुछ हो रहा यहाँ पे, ऑलरेडी इतनी फ्रेग्रेंस है शॉप के अंदर,
So this coffee bean also doesn't help here. At least somebody is saying the truth. मतलब मुझे तो ऐसा लगता है वो मुझे ऐसे बोल रहा है मैडम पता चल जाता है मुझे लग रहा था कि मेरा दिमाग खराब है कि ना खराब है तो मेरे को ये चीजें आप लोगों को बतानी थी सो आई हैव पिक्ड अप दीस टू इंसेंस स्टिक्स ठीक है ये नाग चंपा पता नहीं मुझे नहीं पता ये क्या होता मुझे नहीं पता मुझे इसकी स्मेल बहुत अच्छी लगी और मम्मी लाइक्स इट हमारे घर में रोज सुबह शाम जलती है एंड दिस इज चंपका I've taken these two incense sticks and I have got my Chanel number 5 and mummy wala bhi mil gaya aur inhone mujhe na ek particular dikhaya hai ye hai Oud Royal so I am taking 3 ek mera ek mummy ka ek Kriti ka okay guys that was the end of this video तो चांदनी चौक बहुत बड़ा है चांदनी चौक को किरारी बाजार कनेक्ट करता है यहाँ पे और भी दो तीन बाजार है जो उसको कनेक्ट करता है टोटल चांदनी चौक इज वेरी ह्यूज सो बेसिकली आई वांटेड टू गिव यू अ ग्लिम्स एंड हैव अ आइडिया आई हैव अ आइडिया इन माय हेड एज वेल कि यहाँ पे क्या क्या है क्या प्राइस रेंज है सो गाइज यहाँ पे आपको साड़ी 150 रुपीज की भी मिल जाएगी एंड द स्टफ इज नॉट चीप द स्टफ इज नॉट बैड इट इज अ गुड स्टफ तो यहाँ पे देखो आपको ना ढूंढना पड़ेगा आपको 10 लाख का लहंगा भी मिलेगा और 150 रुपीज की साड़ी भी मिलेगी दिस इज वॉट आई हैव गेन फ्रॉम योर वन यू रियली हैव टू टेक आउट टाइम वेन यू कम टू चांदनी चौक टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड बी रेडी टू डिग इन साइड एंड 3 जितनी आप बड़ी शॉप्स देख रहे हो जरूरी नहीं आपने वहां जाना है गेट इन टू स्मॉल लिटिल शॉप्स गेट इन टू स्मॉल लिटिल यू नो डिंगी लेन्स एंड आई थिंक यू विल फाइंड अमेजिंग स्टफ आई कुडंट फाइंड मुझे मम्मा के लिए वो पसंद आया था पर वो मैंने नहीं लिया बिकॉज आई थॉट मैं अगर ले लेती तो फिर मम्मी बोलती कि तो लुटा ही है पर वो मुझे जेन्युइनली बहुत पसंद आया था जो मैं देख रही थी मुझे इंडियन वेयर में क्योंकि मैंने सुना था यहाँ पे रेप्लिकाज मिलते हैं बट एक और चीज़ यहाँ पे रेप्लिकाज मिलते जरूर होंगे बट देन यू हैव टू फाइंड दो शॉप्स पहले और आपको उनसे अपॉइंटमेंट अपेरेंटली लेनी पड़ती है बट ऑल इन ऑल आई हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस आई सॉ सम वंडरफुल लहंगे कुछ तो मुझे बड़े पसंद आ गए थे पर अभी मेरी शादी हो नहीं रही है सो नाउ मैंने से मम्मी के लिए इंसेंस स्टिक्स लिया और परफ्यूम लिया जो आप लोगों ने देख लिया है आई विल एंड माई ब्लॉग हियर यू टेक केयर एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो द शाउट आउट ऑफ दिस वीडियो गोज टू थैंक यू सो मच डार्लिंग गॉड ब्लेस यू मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू एंड मे यू ऑलवेज बी sexy and sassy take care sat shri akal